खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण, अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के प्रीति किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रहते और ये बदलाव मन ला किसान मन है अपना के फायदा उठा सकते है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जाते है। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन पर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद उर्वरक आदि खरीदे पर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मूल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु पूंजी आदि उपलब्ध कराया जाही। ये सब के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में मन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमर राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन पर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। ये गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। एकर बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम हो ले उला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला ह 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा मा मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर पर 52,50,00,000 रुपया के प्रावधान आवे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के डेट में जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ रहता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करे या किसान भाई मन मिर्चा के प्रीति अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। ये प्रकार के मिर्चा पर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रही थे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दुमट बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा तैयार हो जाते। खरपतवार रहित भूमि उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल लगभग 3-4 महीना में तैयार हो जाते। मिर्चा के ये किस्म दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहते। एकर पौधा छोटे और फल लंबा रहते। ये मिर्चा के पैदावार 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहते। तो हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो उखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमर राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगाते और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसने रायपुर जिला के किसान शिव शंकर भाई हा अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये बरसिन के बोए निंदाई सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15-20,000 रुपया के खर्चा आए है। अब ओहर बताते कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 50-60,000 रुपया तक के मुनाफा कमा लेते। ओखर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और मुनाफा कमा सकते। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में गर्मी और उमस रहे के संभावना है। रात में भी मौसम उमस से भरे रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमर प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1300 प्रति क्विंटल रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्ण मासूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्ण मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, किसान माटी में माटी मिल के कमाते, अपन पसीना उगराते, तब जाके बोला आमदनी होते और धरती माता बोला फसल उगलते। संगवारी हो, हमर किसान भाई मन हम 12 महीना सब्जी खेती करते थे, लेकिन सब्जी में एक सब्जी है जेना औषधि गुण से भरे हुए, एक तरह के सब्जी भी है और एक तरह के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। आप जान रहे हो मैं करू करेला की बात करत हूँ। करेला कड़वा होते लेकिन उकर सब्जी ही बड़ा गुणकारी होते। ये बात तो सब्जी के हो गए संगवारी हो, लेकिन एकर अधिक पैदावार कैसे करे किसान भाई है, अधिक लाभ कैसे कमावा है? तो आओ आज चर्चा की विषय है करेला के आधुनिक और उन्नत खेती। यदि करेले की खेती आधुनिक पद्धति से की जाए तो ये करेला अपनी पैदावार से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम होता है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई, दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। करेला एक बेलदार सब्जी है और लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी जगहों में करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक का सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क सीधे भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उनके सड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही पौधों की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र की तैयारी के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, साथ ही पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसी समय वांछित आकार की क्यारियां भी तैयार कर लेना चाहिए। संगवारी हो, जब करेला की खेती करना है तो सबले पहली बात आते भूमि के तैयारी, भूमि की जुताई कैसे करना और ये भूमि के मादा कैसे बनाना। करेला की खेती में मादा के बड़ा महत्व है और मादा तैयार करे के बाद मादा की दूरी एक मादा से दूसरा मादा की दूरी कतेक रहना चाहिए, यही बात जानना जरूरी है। मादा के बाद महत्वपूर्ण बात आते पानी के, कि थे ना पानी है तो जिनगानी है, पानी है तो खेती है। तो संगवारी हो, ये पानी के जो प्रबंधन करना है, अभी आप देखा था ड्रिप इरिगेशन के जो पाइप बिछे है, ये करेला की खेती के लिए बहुत उत्तम जल प्रबंधन है। तो संगवारी हो, आओ विस्तार ले जानन भूमि के तैयारी और करेला की खेती में जल प्रबंधन। करेले की फसल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल दोनों ही समय में ली जा सकती है। ग्रीष्मकालीन करेले को ऊपरी सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षाकालीन करेले को प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पर्याप्त होता है। यदि स्थिति सूखे की हो तो ऊपरी सिंचाई दी जा सकती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकास की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेना चाहिए। सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके इसके लिए भी नालियां काट लेना चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यदि करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र
ऐसी जगह है जहाँ की भूमि रेतीली है और तापमान जैसा कि हमारे राज्य में ग्रीष्मकाल में 42 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाया करता है। ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो वहाँ 8 से 10 दिनों के अंतराल पर भी सिंचाई दी जा सकती है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। संगवारी हो किथे ना होनहार बिरवान के होते है चिकने पात, ये करेला के पौधा है। इला कतिक प्यार से किसान भाई लगा है और कतिक चिकना कतिक स्वस्थ पौधा है। स्वस्थ है, अच्छा है, एक राज भी है संगवारी हो। ये मादा है तो किसान भाई ये मादा में एक नाली बनाए है, नाली बना के इमें खाद भरे है, गोबर के खाद, कंपोस्ट खाद, रासायनिक उर्वरक खाद। खाद भरे के बाद ये पौधा ला लगा है, पौधा ला लगाए के और खाद तुरंत मिला थे ये ड्रिप इरीगेशन से। यानि खाद जतक संतुलित और अच्छा मात्रा में मिली पौधा उतके तरक्की उतके बरक्कत करी उतके बढ़वार हुई उतके अच्छा फल फूल दी। तो संगवारी हो आवाज आनन ये बात ला कि खाद कैसे देना, कौन कौन से खाद देना, संतुलित मात्रा में खाद कैसे देना और पौधा ला कतिक दूरिया में लगाना करेला के पौधा ला जेकर से वो अच्छा विस्तार करे। आवेला विस्तार से जानकारी ले। हमारे छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान लगाई गई फसलों के पोषक प्रबंधन को लेकर भी सचेत रहने लगे हैं। वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी फसल में गुणात्मक और मात्रात्मक बढ़ोतरी के लिए आज के बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में भी कभी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के साथ अन्य पोषक तत्वों को भी भर देना चाहिए। भुरभुरी भूमि वाले खेत में कृषि विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुसंचित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिलाई जाए। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश आवश्यक होता है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नत्रजन 2 से 3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दें। ध्यान रहे संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नत्रजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर देते हुए। संगवारी हो करेला यानी करू, और करू में बहुत अकन रोग राय बीमारी कीड़ा मकोड़ा आयल नहीं धर है, कड़वा है की। लेकिन ऐसे कई ठन जिद्दी रोग है जोन करेला खेती में लगी जाते, तो संगवारी हो ये जानना बहुत जरूरी है। काबर करेला में वायरस कैसे लग जाते, फल में इल्ली कैसे लग जाते और कई ठन पेड़ सूख जाते, ये रोग हो जाते। ये रोग ला जानू तभी जा करके आप अधिक से अधिक आमदनी कमाओ। तो संगवारी हो आवा जानन करेला में लगैया रोग और कीड़ा के नियंत्रण कैसे करना है। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना चाहिए। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाए रखा जा सकता है। करेला या खीरा वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण न पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर छेद कर देते हैं। इन फसलों में लाल कीड़ों के अलावा फल मक्खी का प्रकोप भी होता है। ये मक्खियां फलों में छेद कर अंडे देती हैं, जिनकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावना होती है। किसान भाई लाल मक्खी से निजात पाने के लिए मिथाइल पैराथियन 2% डस्ट 1 भाग और 10 भाग छनी हुई राख मिलाकर पौधों और पत्तियों पर भुरकाव करते हैं।
साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC कीटनाशक 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों को इस बात का भी स्मरण रहना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव न किया जाए जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हों। और कीटनाशकों के छिड़काव के पहले तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लिया जाना ही बेहतर होता है। पड़ी गई नीपुरी नदाई की पाविरी सर गिला पी सोंगी रुक आ
संगवारी हो, करेला की खेती के शुरुआत से आप मन जानकारी ले कि मादा कैसे बनाना, पानी प्रबंधन कैसे करना, खाद कैसे देना, पौधा कैसे लगाना, ये जम्मो बात ल जाने हो। संगवारी हो, आप करेला खेती करे के मन बनाए हो या करेला खेती करत हो, ये जम्मो बात ल धरिया, आधुनिक ढंग ले अच्छा ढंग ले खेती करिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा हो। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, लेकिन जाए के पहले आप मन ला बता दन, आप मन कृषि दर्शन कार्यक्रम जरूर देखत रहे करो। ये किसान भाई मन के तरक्की और बरक्कत के कार्यक्रम है और अच्छा अच्छा आप ला हम खेती संबंधित जानकारी देथन। संगवारी हो, अवैया यही दिन यही बेरा में एक नया फसल के बाद, एक नया जानकारी के बाद आप तक लेकर आबो। तब तक दब हम ला विदा। राम राम।